दोस्तों अक्सर हॉरर फिल्मों में दिखाया जाता है कि बच्चों के खेलने वाले गुड्डे और गुड्डियों में बुरी आत्माएं अपना घर बना लेती हैं और ऐसा होने पर वो इंसानों का जीना मुश्किल कर देती हैं। हॉलीवुड में एनाबेल नाम की एक डॉल पर इसी तरह की मूवी बनाई जा चुकी है, लेकिन आज हम आपको एनाबेल नहीं बल्कि रॉबर्ट नाम का ऐसे रियल डॉल के बारे में बताएंगे जिसको दुनिया का सबसे श्रापित डॉल माना जाता है। इसके बारे में ये कहा जाता है कि अगर कोई इंसान इस डॉल को छू ले तो उसकी मौत तय हो जाती है, और आपको जानकर हैरानी होगी कि ये हॉन्टेड डॉल आज भी दुनिया में मौजूद है। तो चलिए अब इस डॉल के इतिहास और इससे जुड़ी खौफनाक कहानियों के बारे में जानते हैं। दोस्तों रॉबर्ट नाम की इस डॉल को साल 1904 में जर्मनी के अंदर स्टाइप नाम की कंपनी में बनाया गया था। ये कंपनी अपनी हाई क्वालिटी टेडी बियर बनाने के लिए आज भी दुनिया में फेमस है। इस डॉल के असल मालिक का नाम रॉबर्ट यूजीन ओटो था, जिन्हें बचपन में ये डॉल उनके दादा के द्वारा गिफ्ट की गई थी। इस डॉल को पाकर यूजीन बेहद खुश हुए थे क्योंकि इसका साइज काफी बड़ा था, और दोस्तों इस तरह की डॉल उस समय दुनिया में बहुत कम देखने को मिलती थी। नन्हे यूजीन को इस डॉल के रूप में उसका एक नया दोस्त मिल गया था। यही वजह थी कि यूजीन को काफी कम समय में इस डॉल से इतना लगाव हो गया कि वो इसको एक पल के लिए भी खुद से दूर नहीं करता था। साथ ही उसने अपने कमरे में इसके लिए एक अलग अलमारी भी बना रखी थी। इस अलमारी के अंदर वह इसके जूते, कपड़े और दूसरे सामान रखता था। यहाँ तक कि रात में भी वह इस डॉल को अपने साथ ही लेकर सोता था, और हैरानी की बात ये थी कि वह दिन भर इसके साथ खेलकर इससे बातें करता था। यूजीन के माता पिता को उसका डॉल से बातें करना काफी अजीब लगता था, लेकिन फिर भी वो बच्चा समझकर उसकी इन हरकतों को नजरअंदाज कर देते थे। हालांकि कुछ समय बाद ही इनके घर के अंदर कुछ ऐसी अजीब चीजें होने लगी जिनको इग्नोर करना इनके लिए नामुमकिन हो गया। दरअसल हुआ ये कि यूजीन के पेरेंट्स को अक्सर उसके कमरे का सामान इधर उधर बिखरा और टूटा हुआ मिलता था। यहाँ तक कि उसके कमरे की कुछ चीजें रहस्यमय तरीके से गायब भी होने लगी थी। यूजीन के पेरेंट्स को लगता था कि ये शरारतें उनका बेटा ही कर रहा है, इसलिए इन सब के लिए वो हमेशा अपने बेटे को डांटते रहते थे। यूजीन अपने पेरेंट्स से हमेशा ये कहता था कि ये सब हरकतें वो नहीं बल्कि उसकी डॉल करती है, लेकिन उसके पेरेंट्स को उसकी इन बातों पर कभी भी विश्वास नहीं होता और वो यूजीन को ही इन सब का कसूरवार मानते थे। लेकिन एक रात कुछ ऐसा हुआ जब पहली बार उसके पेरेंट्स के मन में ख्याल आया कि शायद उनका बेटा उनसे सच बोल रहा है। दरअसल हुआ ये कि देर रात यूजीन की आंख अचानक से खुल गई। उसने देखा कि डॉल बेड पर उसके पैरों के पास बैठी हुई थी, और जैसे ही उसने बिस्तर से उठकर डॉल की तरफ देखा तो कमरे का सामान अपने आप ही इधर उधर गिरने लगा। कमरे में रखी मेज और कुर्सी दीवारों से टकराने लगी, और कमरे का माहौल ऐसा हो गया जैसे वहाँ कोई भूचाल आ गया हो। इन सब चीजों के गिरने और टकराने से कमरे में बहुत ज्यादा शोर होने लगा, और साथ ही यूजीन भी ये सब होता देखकर जोर जोर से चिल्ला रहा था। इस शोर की आवाज सुनकर यूजीन के पेरेंट्स जाग गए, और उन्हें लगा कि शायद उनके बेटे के कमरे में कोई चोर घुसाया है। यही सोचते हुए वे तेजी से उसके कमरे में गए, लेकिन दोस्तों वहाँ का नजारा देखकर उनके होश उड़ गए। दरअसल कमरे का सारा सामान बिखरा और टूटा पड़ा था, और यूजीन एक कोने में बैठा बुरी तरह रो रहा था। उसके पेरेंट्स ने जब गौर किया तो पाया कि कमरे में रॉबर्ट डॉल ही एक अकेली ऐसी चीज थी जो अपनी जगह पर रखी हुई थी, और दोस्तों ये बात उन लोगों को काफी ज्यादा अजीब लगी। इस घटना के होने के बाद हालात और भी ज्यादा खराब होने लगे, क्योंकि यूजीन का अपनी इस डॉल के साथ लगाव दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा था। वो कई कई घंटे लगातार अपनी इस डॉल से बातें करता रहता, और इसी के चलते उसके पेरेंट्स को भी थोड़ा थोड़ा शक होना शुरू हो गया था कि शायद इस डॉल के अंदर कोई गड़बड़ जरूर है। इसके बाद उन्होंने अपने बेटे की हरकतों पर नजर रखना शुरू कर दिया। वो अक्सर यूजीन के कमरे के दरवाजों पर खड़े होकर उसकी बातों को सुनते थे। कई बार उन्हें कमरे से उनके बेटे के अलावा एक और आवाज भी सुनाई देती थी, जिसको सुनकर उन्हें ऐसा लगता था जैसे कोई उनके बेटे की बातों का जवाब दे रहा हो। और जब वो इस आवाज को सुनकर यूजीन के कमरे में जाते तो उन्हें वहाँ अपने बेटे और उस डॉल के अलावा उस कमरे में कोई नहीं मिलता। जब वो यूजीन से पूछते कि वो किससे बात कर रहा था तो इसके जवाब में यूजीन अपनी डॉल की तरफ इशारा कर देता था। यूजीन से बातें करते हुए रॉबर्ट डॉल को जब भी गुस्सा आता
तो कमरे का सामान इधर उधर गिरना और हवा में उड़ना शुरू हो जाता था। और जैसे ही यूजीन के पेरेंट्स कमरे में आते तो सामान अपने आप हिलना डुलना बंद हो जाता। साथी दोस्तों, उन्हें उसके कमरे के दूसरे खिलौने और डॉल्स अक्सर टूटे हुए ही मिलते थे। इस डॉल की इन अजीब हरकतों को सिर्फ इस घर के लोग ही नहीं बल्कि पड़ोस में रहने वाले लोगों के बच्चे भी महसूस कर रहे थे। और डॉल के श्रापित होने की बात पूरे मोहल्ले में तेजी से फैल गई थी। दरअसल पड़ोस के बच्चों का ये कहना था कि यूजीन के स्कूल जाने के बाद ये डॉल उन्हें अक्सर यूजीन के कमरे की खिड़की के पास खड़ी हुई नजर आती थी। और फिर कुछ समय बाद जब ये बच्चे दोबारा ऊपर की तरफ देखते तो ये अपने आप खिड़की से गायब हो जाती। इसी तरह एक बार एक प्लम्बर ने भी इस डॉल की कुछ अजीब हरकतों को नोटिस किया था। असल में ये प्लम्बर यूजीन के घर में काम करने गया हुआ था और जब ये काम कर रहा था तो इसको यूजीन के कमरे से बच्चों के खेलने की आवाजें आईं। ये आवाजें सुनकर उसको काफी हैरानी हुई क्योंकि घर में उसके अलावा और कोई नहीं था। उसने इन आवाजों के रहस्य का पता लगाने के लिए कमरे का दरवाजा खोलकर देखा, लेकिन कमरे में यूजीन के खिलौनों के अलावा और कोई भी नहीं था। ये देखकर वो प्लम्बर अभी वहां से लौट ही रहा था कि उसको कमरे से फिर वही आवाजें आने लगी। वो दौड़ता हुआ दोबारा कमरे में पहुंचा तो वहां का नजारा देखकर उसके होश उड़ गए। अभी एक पल पहले जो खिलौने उसने खिड़की के पास देखे थे अब वे खिड़की से काफी दूर फर्श पर पड़े हुए थे, जबकि रॉबर्ट डॉल अभी भी खिड़की के पास ही था। इस डॉल से जुड़ी इस तरह की बहुत सी हरकतें यूजीन के परिवार और आसपास के लोगों ने नोटिस की थी, लेकिन यूजीन के पेरेंट्स को इस बात का पक्का यकीन कभी नहीं हुआ कि ये डॉल श्रापित भी हो सकती है। इसलिए उन्होंने इन सभी हरकतों के बावजूद भी इस डॉल को कभी अपने घर से नहीं निकाला। यूजीन इस डॉल के साथ इसी तरह खेलते हुए बड़ा हुआ था और स्कूल की पढ़ाई पूरी होने के बाद उसके पेरेंट्स ने उसके आगे की पढ़ाई के लिए न्यूयॉर्क भेज दिया। पढ़ाई के ही सिलसिले में यूजीन को पेरिस भी जाना पड़ा, जहां उसने एक लड़की से शादी कर ली। और दोस्तों, इस सब के दौरान वो कई साल इस डॉल से दूर रहा। हालांकि शादी के बाद ये डॉल यूजीन की जिंदगी में एक बार फिर से आई। दरअसल हुआ ये कि शादी के बाद यूजीन अपनी पत्नी को लेकर पेरिस से वापस अमेरिका शिफ्ट हो गया। और जब वो अपने पेरेंट्स के घर से अपना सामान लेने गया तो वहाँ उसको अपने कुछ पुराने खिलौने भी मिले जिनमें रॉबर्ट डॉल भी शामिल था। अब चूंकि इस डॉल से उसका पूरा बचपन जुड़ा हुआ था इसलिए वो इसको अपने नए घर में ले आया। और हैरानी की बात ये हुई कि सिर्फ कुछ ही दिनों में बचपन की तरह यूजीन के सर पर उस डॉल का भूत फिर से सवार हो गया। वो हर समय उसी के बारे में सोचता था और उससे बातें करता था। ये बातें यूजीन की पत्नी से बर्दाश्त नहीं हुई, इसलिए उसने इस डॉल को घर के ऊपर बने एक स्टोर रूम में बंद कर दिया। लेकिन दोस्तों, इस तरह कमरे में बंद किया जाना रॉबर्ट डॉल को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया और उसने एक बार फिर से वही सब हरकतें करना शुरू कर दिया जो वो यूजीन के बचपन में किया करता था। ये डॉल यूजीन के पड़ोसियों को अक्सर घर के ऊपर वाले कमरे की खिड़की पर बैठी हुई नजर आती और जैसे ही लोगों की नजर इसके ऊपर से हटती तो वो तुरंत वहां से गायब हो जाता। लोगों को डॉल की ये हरकतें काफी अजीब और खौफनाक लगती थी, इसलिए इस पूरे इलाके में इस डॉल के हॉन्टेड होने की खबर फैलने लगी। इसके अलावा यूजीन के घर में जो भी मेहमान आता था ये डॉल उसको भी खूब परेशान किया करता था। लोग बताते थे कि यूजीन के घर में ऊपर वाले कमरे से कदमों की आवाजें आती थीं। इन सब बातों को सुनने और अजीब चीजों को महसूस करने के बावजूद भी यूजीन ने इस डॉल को कभी खुद से दूर नहीं किया और पूरी जिंदगी इसको अपने साथ अपने घर में ही रखा। साल 1974 में यूजीन की मौत होने के बाद ये घर एक महिला ने खरीद लिया और इस तरह 70 साल यूजीन के पास रहने के बाद ये डॉल इस महिला के पास आ गई। इस महिला ने भी इस डॉल को लगभग 20 साल अपने पास रखा और इसके बाद इसको फ्लोरिडा के फोर्ट ईस्ट मोर्टेलो नाम के एक म्यूजियम में ये कहते हुए डोनेट कर दिया कि ये डॉल श्रापित है। शुरुआत में म्यूजियम के स्टाफ को डॉल के श्रापित होने की बात पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन इस म्यूजियम में आते ही रॉबर्ट डॉल ने ऐसा आतंक मचाया जिसने इन लोगों के होश उड़ाकर रख दिए। दरअसल ये लोग इसको डिस्प्ले के लिए जिस भी बॉक्स के अंदर रखते थे ये उसको तोड़कर अपने आप बाहर निकल जाती थी। इसके अलावा ये म्यूजियम में रखी दूसरी कीमती चीजों को भी तोड़कर बर्बाद कर देती। आखिरकार जब इन लोगों ने इसको एक मजबूत कांच के अंदर कैद किया तब जाकर इन अजीब हरकतों के होने का सिलसिला बंद हुआ। आज भी ये हॉन्टेड डॉल
इसी म्यूजियम के अंदर रखी हुई है और हजारों लोग हर साल इसको देखने के लिए यहाँ पहुँचते हैं। बाकी दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।